हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरे लिए दुख भरा है और मैं अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। यस्टरडे नाइट मेरे थोड़ा सा मुझे फीवर आया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फीवर आया था। तो मैंने थर्मामीटर से मेजर किया तो 101 फिर टेम्परेचर था बॉडी का। एक दिन पहले से लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, लाइक कोविड पॉजिटिव। हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे, ज्वाइंट्स में बहुत पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था। और मैं घर से आया था 10 तारीख को, भोपाल गया था। भोपाल से जब मैं 10 तारीख को वापस आया एम्स कल्याणी, उसके उसके आते ही साथ यहाँ पे एक दो दिन में मेरे को पेन होने लगा, बॉडी पेन होने लगा, हेडेक होने लगा। और आज फाइनली मैंने टेस्ट कराया, कोविड-19 रैपिड टेस्ट कराया। मुझे पता था पॉजिटिव आएगा, तो आई एम कोविड पॉजिटिव। 3 बजे मैंने टेस्ट कराया था और रैपिड टेस्ट किया और जब पता चला कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं अभी सेल्फ आइसोलेशन रूम में हूँ और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, पैरासीटामोल ले रहा हूँ और फ्लेक्सन टेबलेट ले रहा हूँ। पैरासीटामोल 650 mg ले रहा हूँ मैं। और एक बात शेयर कर रहा हूँ कि जब तक दवाई खाता हूँ जब तक ठीक रहता हूँ, और उसके बाद दवाई का जैसे असर ख़त्म होता है तो ठंड लगने लगती है। ठंड लगती है वैसे अगेन जॉइंट्स में पेन होता है। तो हल्दी वाला दूध ले रहा हूँ पीने के लिए, टेबलेट्स ले रहा हूँ, और खाने में दाल रोटी और थोड़ा सा दूध और एक काजू बादाम वगैरह एक सब वगैरह ले रहा हूँ। तो अब 10 दिन इसी रूम में, जब तक नेगेटिव नहीं आता जब तक इसी रूम में रहेंगे। और आपको डे टू डे लाइफ में जो क्या होता है कोविड पेशेंट के साथ मेरे साथ, वो आप लोगों को बताते जाएंगे अपडेट। रात में टेबलेट खा के सो गया था, तो रात में तो थोड़ा नींद अच्छी आ गई थी, लेकिन 4 बजे नींद खुली है तो उसके बाद तो नींद लगी नहीं है। मतलब सोता था फिर उठता था फिर सोता था फिर उठता था। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और नींद ही नहीं आ रही है। और रूम में खाने की कुछ प्रोसेस करते हैं, सोच रहा हूँ कि मैगी बना लूँ, और मैगी बनाऊँ काजू बादाम खा के, फिर आराम करता हूँ टेबलेट खा के, दूध पी लूँगा हल्दी वाला। और सोच रहा हूँ कि थोड़ा मुँह, हाँ एक बात और है कि मेरा मुँह का टेस्ट सारा चला गया, तो कुछ कुछ अजीब सा खाने का मन कर रहा है, लाइक चिक्की वगैरह हुई और दही वगैरह खाने का मन हो रहा है और मैगी खाने का मन हो रहा है। तो वो खाइए और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पूरा टेस्ट मुंह का चला गया है और चेहरा अलग सा हो गया मेरा, देखो काला सा पड़ गया है और थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप की आ गई, शायद सोने की वजह से हो गया। हाथ भी थोड़े से ड्राई टाइप के हो गए हैं, येलोइश हो रहे हैं थोड़े थोड़े, पता नहीं कैसा क्या हो रहा है। फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में मुझे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो ओमिक्रॉन वेरियंट आया ये मेरे को ले डूबा है। क्या करें अब, लेकिन 2 दिन से नहाया नहीं है, 2-3 दिन से ठंड लग रही है अलग। सोच रहा हूँ कि आज नहीं रुकते हैं, कल नहाएंगे गर्म पानी करके, और नहाने के बाद तुरंत बदन या शरीर में थोड़ा विक्स लगा लेंगे, वरना ठंड बैठ जाएगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा पूरी उसका बॉडी का। नाक चोक है टोटली, आवाज साउंड प्रोड्यूस अलग हो रहा है मेरा, और मन नहीं लगता सच में। जब से 2 दिन से रूम में बैठा हूँ, सो रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, कितना मोबाइल चला हूँ ये दुनिया भर का देखता रहता हूँ, थक जाता हूँ, आंखों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होता है। थैंक गॉड कि मेरे दोस्त लोग मेरी मदद कर रहे हैं, लाइक जो मेरा ऑनर है उसका लड़का मेरे को पानी वगैरह मेरे लिए सामान वगैरह ला के दे रहा है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे को टेबलेट ला के दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए। तो मदद तो काफ़ी कर रहे हैं लोग, और फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं, मेरे टीचर्स वगैरह भी मदद कर रहे हैं। कुछ भी ज़रूरत हो बोल रहे हैं कि मुझे प्लीज़ बोलिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हाँ भाई, पानी रख दिया? हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? शरीर ठीक नहीं है। मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। अभी 2 दिन हुआ है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बहुत कल बहुत तबीयत खराब था मेरा, बुखार आ रहा, शकल देख रहे हो? घर में ही पानी है, पानी ला रहा था वहाँ का। हाँ ठीक है ठीक। उस दिन आपने बिरयानी खाया था? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। खिड़की खोल के मौसम का मजा लेते रहते हैं, मौसम कितना सुहाना हो रहा है यार यहाँ पे, लेकिन क्या करें, रूम में बंद है चारों तरफ से, कहीं जा भी नहीं सकते और घूम नहीं सकते हैं। आज पता चल रहा है कि यार 2-3 दिन रूम के अंदर रहूँ ना
भाई जो जिनको पहले वेव या सेकंड वेव में जब कोरोना हुआ था उन पर क्या बीतती होगी यार कसम से, क्योंकि मेरे 2 दिन में ही हवा मेरी टाइट हो गई है यार, रूम में घुसे घुसे मेरा दम घुटने लगा है, क्या करें यार, मुंह का टेस्ट ऐसा लग रहा। फिलहाल पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे पहले। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एम्स कल्याणी में नर्सिंग स्टाफ हुआ, डॉक्टर हुआ, टेक्नीशियन हुए, ट्यूटर्स हुए और SRGR हुए, और स्टूडेंट, मेनली स्टूडेंट सारे के सारे पॉजिटिव, कुछ लोग ही बचे हैं डिपार्टमेंट में जो नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। भाई कलकत्ता है, बंगाल में बहुत ख़तरनाक फैल रहा है इस मामला, इतना ज़्यादा मैंने अपना उधर नहीं देखा है, मध्य प्रदेश दिल्ली साइड, लेकिन इस बार जो कलकत्ता में तबाही मची है, बहुत भयंकर फैल रहा है यार कोरोना, बच के रहो भाई, टेक केयर सब लोग। फिर आ गया, ठंड लगने लगी बहुत, और अभी मेडिसिन खाई है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा गर्माहट लगेगा शरीर के अंदर। तो भाई थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ यार, कमजोरी सी हो रही है और पता नहीं कैसा लग रहा है, खाने का मन तो नहीं है लेकिन खा रहे हैं। मिट्टी जहाँ स्वाद आ रहा है, मिट्टी तो और ज़्यादा टेस्टी लगती थी बचपन में, लेकिन काजू तो समझ में नहीं आया कि काजू है। थोड़ा किसमिस अच्छा लग रहा, खट्टा खट्टा था, बाकी काजू हुआ, अखरोट हुआ, इनका स्वाद ही नहीं आ रहा। तो भाई घर पे फोन लगा के बता दिया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो घर वाले तो बिलीव ही नहीं कर रहे कि यार तुम कैसे कोरोना पॉजिटिव हो सकते, मान ही नहीं रहे। भाई को बता दिया, बहन को बता दिया और मम्मी को बता दिया, मम्मी तो विश्वास ही नहीं कर रही है, तो उनको रिपोर्ट सेंड की, तो बोला हाँ हाँ, तो मैंने ध्यान रखना कोई है नहीं वहाँ पर कलकत्ता में तेरे पास, कैसे क्या करेगा, घर होता तो कुछ अच्छा बना के खिला देते और मेडिसिन प्रॉपर दिला देते, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो। मैंने उनको बोल दिया कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पे सब कुछ सब लोग हैं मदद करने के लिए, और फीलिंग थोड़ी बेटर है, कल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, उन्हें ठंड लग रही है, एकदम ठीक है, लेकिन बॉडी अभी वीक है। हाँ सकल से पता चल रहा होगा, नहाया तो है नहीं मैंने, आज मकर संक्रांति भी थी, क्या करें, लेकिन कल कोशिश करें गर्म पानी करके नहाने की। तो अभी दिन के बजे 1 और सोच रहा हूँ लंच कर लूँ, तो लंच में रोटी और दाल मंगवाता हूँ, दाल रोटी खा के सोता हूँ। भाई रूम में घुसे घुसे ना परेशान हो रहा हूँ, तो कोई मूवी सजेस्ट कर दो या कोई वेब सीरीज जिसमें मज़ा आ जाए देख के, एकदम दिल खुल जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नाम वगैरह बता देना मूवी के, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा क्योंकि मन लग ही नहीं रहा है पूरा। अभी अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया तो मेरा 99 दिख रहा है थर्मामीटर से, तो ठीक हूँ पहले से। तो ये क्या भाई, बारिश हो रही बाहर, तो शाम को अभी शाम की वजह 6:30 और दिख रहा है बारिश कितनी भयंकर हो रही है, फिर से मौसम ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, मौसम ख़राब, सब कुछ ख़राब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और एक भाई को पहुँचा है सामान लेने के लिए, पता नहीं कब तक आता है, वो पानी गिर रहा है, आई थिंक थोड़ा लेट ही आएगा। वो क्या लग रहा है कि बिना मास्क के बाहर घूम रहा, भाई भी मास्क लगा के बाहर बालकनी में टहलने के लिए आया, क्योंकि दिन भर से रूम के अंदर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, थोड़ा बालकनी में आके खड़ा हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है, बारिश हो रही है पीछे आप देख सकते हो, क्या लगता है आप, अब थोड़ा बिल्डिंग्स वगैरह बन गई तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो भाई मार्केट से सामान आ गया है, मिल्क का पैकेट आ गया, दही का पैकेट आया, चिक्की आ चुकी है, एप्पल आ चुके हैं, ऑरेंज आ चुका है आपका, ये पोहा आ गया, इसको बोलते हैं मुरली भी आ गई भाई, थोड़ा बहुत ये पूरा डिनर और लंच जो भी मन होगा जो भी खाने का हाँ खाएंगे, और नमकीन भी आ गया, मिल गया था ये बंगाली नमकीन, पता नहीं क्या लिखाया है लेकिन अच्छा लगता है यहाँ का नमकीन खाने में भी। तो ये सब कुछ सामान आ गया भाई, और भाई देखे गया है, तो फिलहाल ना अभी अब फिलहाल तो पेलते हैं अपना एप्पल और एक ऑरेंज और चिक्की खा के गुड नाइट। हल्दी वाला दूध रेडी हो रहा है, मज़ा आ जाएगा भाई, गर्मी पैदा हो जाएगी पीते ही साथ।